मैं आदित्य, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 के बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव लिंग निर्धारण कैसे होता है या लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं? मानव का लिंग निर्धारण एक्स वाई प्रकार से होता है। कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम में 22 जोड़ा नर और 1 जोड़ा मादा में होता है। नर में एक्स के अतिरिक्त एक क्रोमोसोम वाई होता है जो नर लक्षण का निर्धारण करता है और मादा में एक्स क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। चलिए, जीवों में प्रजनन की वह विधि है जिसमें एक जनन से नई व्यक्ति का जन्म होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें जन्म कोशिकाओं का निर्माण एवं संलयन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मोनोकार्फिल फलों को लिखें। देखिए, यह आपका क्वेश्चन, वह सत्य फल जिसका विकास एक कार्पिल से होता है मोनोकार्पिक फल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कार्पस ल्यूटी किस प्रकार बनता है? अन्न उत्सर्ग के पश्चात ग्रेनुलोसा कोशिका तथा अंतराली कोशिका एवं शंकुकार कोशिकाओं का बड़ा पीला पिंड बनाती है जिसे हम लोग कार्पस ल्यूटीम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोभित मरुभित तथा समुद्रभित के बारे में लिखिए। जलोभित, चलिए देखते हैं, वे पादप जो केवल जल तथा अत्यधिक नम मिट्टी में वृद्धि करते हैं जलोभित कहलाते हैं, जैसे कमल, जलकुंभी। मरुभित क्या है? वे पादप जो केवल अधिक ताप या गर्मी में वृद्धि करते हैं मरुभित कहलाते हैं, जैसे नागफनी। समुद्रभित, वे स्थलीय पादप जो न तो विशेष सूखे और न तो विशेष नम वातावरण के लिए अनुकूलित हैं, जिन्हें हम लोग वृद्धि के लिए साधारण जल की आवश्यकता को समुद्रभित कहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।